हाँ जी, मैं डॉक्टर रामलाल शर्मा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का महासचिव हूँ और हमारे प्रदेश में लगभग पूरे महाविद्यालय के अंदर 132 कॉलेज के अंदर हमारी इकाइयाँ हैं और लगभग 1400 से 1500 के बीच में हमारे जो हैं वो मेंबर्स हैं। और आज हमारा ये जो आंदोलन है ये हमारे को सरकार के ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो हमारे को नहीं सुन रही है, तो एक हमने एक पीसफुल माध्यम से एक ये माध्यम कि हम जो हैं वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं और हमारी बात को संवेदनशीलता से सरकार सुने कि ये जो है बहुत संवेदनशील है, जब बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को मिल गया है, उन पे स्केल मिल गए हैं तो हमारे को क्यों नहीं मिले। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो हमारे राइट्स का संरक्षण सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो इसको लेकर के आज हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो हमारी जो है वो एक सामूहिक भूख हड़ताल है। और इसमें भी संवेदनशीलता के साथ हमने ये जो है, क्योंकि जो बच्चों के जो एग्जामिनेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी हमारे टीचर्स हैं जिनकी एग्जामिनेशन ड्यूटी है वो एज इट इज़ जो है उसी तरह से करते रहेंगे ताकि बच्चों का जो भविष्य है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये तो हमारे को बहुत पीड़ा के साथ इस तरह का निर्णय लेना पड़ा कि हमारे को इवैल्यूएशन को रोकना पड़ा कि ताकि सरकार हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो सेंसिटिविटी है को लेकर के उसको जो है वो प्राथमिकता के आधार पर सुने। परंतु ऐसा लगता नहीं है कि सरकार जो है इसमें कोई प्राथमिकता दे रही है। 12 तारीख से हमने इवैल्यूएशन को रोक दिया है तो 12 तारीख से आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कम्युनिकेशन हुआ है कि हम आपका जो है वो ये इसको संवेदनता के साथ ले रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जी की एक ज़रूर एक स्टेटमेंट आई थी, वो स्वागत योग्य है अगर वो इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो, कि हम वो पंजाब से, क्योंकि हर बारी जो है वो शायद ब्यूरोक्रेसी लेवल पर पंजाब की बात आती है और हालांकि हमारा पंजाब के साथ कोई संबंध नहीं है, हमारा UGC से पे स्केल जो है वो मिलता है और UGC के मानकों के आधार पर मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो शायद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे को पंजाब में हर चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस संदर्भ में हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शायद ये मान सकते हैं कि शायद ये इस दिशा में एक जो है वो एक सकारात्मक कदम होगा कि हमारा जो ये मुद्दा है जो बहुत लंबित है तो शायद इस दिशा में जो है वो आगे की तरफ बढ़े। हाँ जी, मैं डॉक्टर रामलाल शर्मा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का महासचिव हूँ और हमारे प्रदेश में लगभग पूरे महाविद्यालय के अंदर 132 कॉलेज के अंदर हमारी इकाइयाँ हैं और लगभग 1400 से 1500 के बीच में हमारे जो हैं वो मेंबर्स हैं। और आज हमारा ये जो आंदोलन है ये हमारे को सरकार के ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो हमारे को नहीं सुन रही है, तो एक हमने एक पीसफुल माध्यम से एक ये माध्यम कि हम जो हैं वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं और हमारी बात को संवेदनशीलता से सरकार सुने कि ये जो है बहुत संवेदनशील है, जब बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को मिल गया है, उन पे स्केल मिल गए हैं तो हमारे को क्यों नहीं मिले। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो हमारे राइट्स का संरक्षण सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो इसको लेकर के आज हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो हमारी जो है वो एक सामूहिक भूख हड़ताल है। और इसमें भी संवेदनशीलता के साथ हमने ये जो है, क्योंकि जो बच्चों के जो एग्जामिनेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी हमारे टीचर्स हैं जिनकी एग्जामिनेशन ड्यूटी है वो एज इट इज़ जो है उसी तरह से करते रहेंगे ताकि बच्चों का जो भविष्य है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये तो हमारे को बहुत पीड़ा के साथ इस तरह का निर्णय लेना पड़ा कि हमारे को इवैल्यूएशन को रोकना पड़ा कि ताकि सरकार हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो सेंसिटिविटी है को लेकर के उसको जो है वो प्राथमिकता के आधार पर सुने। परंतु ऐसा लगता नहीं है कि सरकार जो है इसमें कोई प्राथमिकता दे रही है। 12 तारीख से हमने इवैल्यूएशन को रोक दिया है तो 12 तारीख से आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कम्युनिकेशन हुआ है कि हम आपका जो है वो ये इसको संवेदनता के साथ ले रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जी की एक ज़रूर एक स्टेटमेंट आई थी, वो स्वागत योग्य है अगर वो इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो, कि हम वो पंजाब से, क्योंकि हर बारी जो है वो शायद ब्यूरोक्रेसी लेवल पर पंजाब की बात आती है और हालांकि हमारा पंजाब के साथ कोई संबंध नहीं है, हमारा UGC से पे स्केल जो है वो मिलता है और UGC के मानकों के आधार पर मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो शायद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे को पंजाब में हर चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस संदर्भ में हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शायद ये मान सकते हैं कि शायद ये इस दिशा में एक जो है वो एक सकारात्मक कदम होगा कि हमारा जो ये मुद्दा है जो बहुत लंबित है तो शायद इस दिशा में जो है वो आगे की तरफ बढ़े।